अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में श्याप भाई की हम बहुत ही अहम जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों आज श्याप भाई को घर से निकले हुए 182 दिन हो चुके हैं और दोस्तों आज श्याप भाई के बीजे के बारे में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे। दोस्तों इनके बीजे का प्रोसेस क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, उनके रिकमेंडेशन लेटर मिला है नहीं मिला है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अभी बात करते हैं श्याप भाई के रिकमेंडेशन को लेकर। दोस्तों अभी तक भारतीय अथॉरिटी से कोई ऐसी न्यूज या फिर श्याप भाई से कोई ऐसी न्यूज निकल कर नहीं आई है कि उनको वीजा मिला है या नहीं मिला है। दोस्तों अभी तक उनका सफर स्टार्ट नहीं हुआ है, वो वहीं पे रुके हुए हैं खासा पिंड गांव में। दोस्तों खासा पिंड गांव आफिया किड्स स्कूल आपको सभी को पता है दोस्तों कि वहीं पे रुके हुए हैं और वो श्याप भाई ने अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं दी। लेकिन उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह वो अपना सफर स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही वो अपना सफर स्टार्ट करते हैं तो हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अभी करते हैं भाई अब्दुल समद की बात। दोस्तों उन्होंने अपना सफर अभी के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है, अभी वो बिल्कुल सफर नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो भी उनका भी रीजन रहा है कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह का, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उनके जो साथी थे वो चले गए घर के लिए और उनका जो लगेज है जो सामान होता है वो उठाने के लिए उनके पास में कोई नहीं है। दोस्तों इसी वजह से उन्होंने शायद अपना सफर रोक दिया है और जैसे ही वो अपना सफर स्टार्ट करते हैं हम उसकी भी जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।